शैला जी, जैसे हमारे देश में सब्जियां बिकती हैं, सब्जी मंडियां होती हैं, वैसे हमारे देश में दूल्हे भी बिकते हैं और इतनी वैरायटी के दूल्हे होते हैं कि शायद बहुत लोगों को ना पता हो, तो मैं देश को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दृश्य देखिएगा, दूल्हों के बाजार लगे हुए हैं, कितनी वैरायटी के कौन कौन से दूल्हे हैं। दूल्हों के बाजार में दूल्हे बिक रहे थे, दूल्हों के बाजार में दूल्हे बिक रहे थे, छोटे से बड़े तक बिकाऊ दिख रहे थे। एक दृश्य देखिएगा कि एक दूल्हे का बाप चिल्ला रहा था, एक दूल्हे का बाप चिल्ला रहा था, दोनों हाथों से बुला रहा था, आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। अच्छा, पहली वैरायटी, आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। मैंने पूछा कितने में दोगे, बोला कितने लोगे, मैंने कहा एक चाहिए। मैंने कहा एक चाहिए लेकिन वाजिब दाम बताइए, बोला बोलनी का टाइम है, सस्ता लगा दूंगा, मात्र 50,000 दूंगा। मैंने कहा भाई 50,000 तो ज्यादा है, जबकि दूल्हा आधा है। मैंने कहा भाई 50,000 तो ज्यादा है जबकि दूल्हा आधा है। ये सुनकर दूल्हे का बाप बोला, मार्केट रेट खोला, बोला बोहनी का टाइम था सो कम बताया है, वरना कल 2.5 फुट का 80,000 पाया है। वाह वाह। मैं आगे बढ़ा, मेरी नजर में एक और दूल्हा चढ़ा। मैंने पूछा क्यों भाई अकेले ही आए, पिताजी को नहीं लाए, बोला आए थे, अभी अभी बिके हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुकुल। मैं आगे बढ़ा, एक साइन बोर्ड पढ़ा, लिखा था दूल्हों की लूट, 31 तारीख तक 10% छूट। अच्छा, 31 तारीख तक 10% छूट। मैं अंदर गया, बोला इंजीनियर दिखाइए, कोई सस्ता पेस लाइए। दुकानदार बोला हम डॉक्टर बेचते हैं। इंजीनियर बगल वाले देखते हैं, हमने कहा डॉक्टर ही दिखाइए, कोई सस्ता पीस लाइए। दुकानदार ने एक डॉक्टर दिखाया, रेट 50 लाख बताया, उस पर 20% टैक्स। हमने कहा भैया रिलैक्स रिलैक्स। हमने कहा भैया रिलैक्स। दुकानदार बोला भाई साहब अभी अभी बजट आया है, सरकार ने दूल्हे को लग्जरी आइटम बताया है। अभी अभी बजट आया है, सरकार ने दूल्हे को लग्जरी आइटम बताया है, वैसे चिंता मत कीजिए, आपको सस्ता चाहिए सस्ता लीजिए। अरे मुन्ना जरा वो पीला वाला पैकेट उठाओ। बिल्कुल सही है। अरे मुन्ना जरा वो पीला वाला पैकेट उठाओ, इनको डॉक्टर महंगा है, छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। वाह। इससे पहले वो कंपाउंडर लाता, मैं आगे बढ़ा, देखा काफी हुजूम था, शायद दूल्हों का सबसे बड़ा शोरूम था। शायद दूल्हों का सबसे बड़ा शोरूम था। मैंने एक से पूछा क्या बिक रहा है, बोले पढ़े लिखे हो साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है, साफ साफ लिखा है भाईजान सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। वाह। सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, राशन कार्ड पर दे रहे हैं। बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, राशन कार्ड पर दे रहे हैं। मैंने पूछा कब तक नंबर आएगा, क्या दूल्हा आज ही मिल जाएगा, क्या दूल्हा आज ही मिल जाएगा। वो बोला नहीं, पर्ची कटाइए, दूल्हा 3 दिन बाद गोदाम से उठाइए। वाह मुकुल वाह, बहुत बढ़िया। एक बिल्कुल नई वैरायटी शैलेश जी। मैं आगे बढ़ा, एक साहब बोले आइए, बिल्कुल ताजा दूल्हा है ले जाइए, ताजा बिल्कुल ताजा दूल्हा है ले जाइए। मैं अंदर गया, दूल्हा देखा और पूछे दाम, वो बोला 500 रुपए का 250 ग्राम दूल्हा। बोला 500 रुपए का 250 ग्राम, मेरी उत्सुकता देखेगा, बोला 500 रुपए का 250 ग्राम। हमने कहा 250 ग्राम में कितना दूल्हा आएगा, क्या पूरा दूल्हा बन जाएगा। दुकानदार बोला हमारा वादा है, अगर आपकी 100 ग्राम की लड़की है तो 250 ग्राम भी ज्यादा है। वाह। 250 ग्राम भी ज्यादा है, वरना 60 किलो तौलाइए, पूरा 1,20,000 लगाइए। मैं आगे बढ़ा, देखा एक दुकान खाली पड़ी थी, एक उदास महिला चुपचाप खड़ी थी। मैंने महिला से पूछा आप क्या देखती हैं, किस वैरायटी के दूल्हे बेचती हैं। महिला ने एक संदूक खोला और अंदर से कवि निकला और बोला, अब देखिए कवि के माध्यम से आपको भी कैसे बिकना चाहिए, अगर इसे बिकना कहते हैं, वरना तो ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ समाज को। अंदर से कवि निकला और बोला कि मैं मुफ्त में मिल जाऊंगा, एकता अखंडता और देश प्रेम की 1,000 कविताएं सुनाऊंगा, पर माफ कीजिए
मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बकुल। मैं सभी डॉक्टरों से विनम्र निवेदन करता हूँ, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, इसलिए मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं, सांसों की कीमत पैसों में लगाऊं। मैं उस तरह के इंजीनियर भी नहीं जो बिक जाते हैं, सीमेंट और लोहे के साथ देश खा जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है।